दोस्तों को फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल फैंटेसी क्रिकेट फैन में। और इस वीडियो में जो मैच कवर कर रहे हैं, श्रीराम महाराजा T20 ट्रॉफी का जो ये मैच खेला जा रहा है बेंगलुरु ब्लास्टर्स वर्सेस बेंगलुरु यूनाइटेड के बीच में T20 सीरीज का नौवां मुकाबला खेला जा रहा है। जो ये मैच आप सभी के लिए जैकपॉट जाएगा, दोनों ही टीमों की ओर से काफ़ी सारे एनालिसिस करने के बाद आपको यहाँ पर लो सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर्स देखने को मिलेंगे, जो आप सभी को स्मॉली के साथ साथ ग्रैंडिक्स भी विन करा कर देंगे। दोस्तों साथ ही जानेंगे दोनों ही टीमों में कौन से वे प्लेयर्स रहेंगे जो आज के इस मैच में आप सभी को बैटिंग से स्कोर करके देंगे, और कौन से वे प्लेयर्स रहेंगे जो बॉलिंग विद बैटिंग दोनों से ही आपको बेहतरीन से बेहतरीन प्रॉफिट निकाल कर दे। वैसे भी ये जो टूर्नामेंट रहेगा, जो लोग भी एज अ ग्रैंड लीग वगैरह इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मैच जाएगा, क्योंकि हमने ऐसा काफ़ी सारे ऐसे भी ट्रंप प्लेयर्स जो आप सभी के लिए रखे हैं, जो कि कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी पूरी तरह से और फैंटेसीज आपको डिफॉल्ट मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिएगा जरूर। दोस्तों साथ ही जानेंगे क्या कुछ हमारी स्मॉली की टीम से रहने वाली है और क्या कुछ हमारे ग्रैंड लीग के ट्रंप प्लेयर जो कि ऐसे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के डिफॉल्ट रहेंगे, तो उनके बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखना जरूर। दोस्तों सबसे पहले अगर आप सब अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक मिलेंगे ज़रूर। वैसे भी आप सभी लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बाकी हम चलते हैं मैच प्रेडिक्शन के बारे में डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। और दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोग देख रहे हो फैंटेसी क्रिकेट फैन के टेलीग्राम चैनल को, जहाँ पे जुड़ना आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो लोग भी अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं है तो शायद बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि इस मैच की फाइनल और एक विनिंग टीम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर ही अपडेट करेंगे, जहाँ पे 7K सब्सक्राइबर्स हमारे ऑलरेडी जुड़कर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो जिसको भी फैंटेसी के फील्ड में ज़्यादा प्रॉफिट में रहना होगा तो फिर हमारे चैनल को ज्वाइन करके सिर्फ लास्ट मिनट तक एक्टिव रहे, क्योंकि इस मैच की फाइनल और एक विनिंग टीम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर ही अपडेट करेंगे। और यहाँ पर जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक से जुड़िएगा, ताकि हमारे रियल चैनल पर जुड़ो, क्योंकि ऑलरेडी हमारे नाम से काफ़ी सारे फेक सब्सक्राइबर्स वाले चैनल भी है जहाँ पे लोग एज अ पैटिंग बेच रहे हैं। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए, क्लिक करके डायरेक्टली हमारे चैनल पर जुड़िएगा ज़रूर। बाकी हम चलते हैं मैच प्रिडिक्शन के बारे में डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि मैच इन्फो के बारे में। ये मैच श्रीराम महाराजा T20 ट्रॉफी का जो बेंगलुरु ब्लास्टर्स वर्सेस बेंगलुरु यूनाइटेड के बीच में खेला जा रहा है, सीरीज का नौवां मुकाबला, जो कि ये मैच लगभग आपको 3 बजे करीब में स्टार्ट हो रहा है। तो कॉन्टेस्ट पहले से ज्वाइन करके रखना, ये हमारा हमेशा की तरह का सजेशन रहता है कि कॉन्टेस्ट पहले से ज्वाइन करके रखो, थोड़ी ऐसा आपको लो कॉम्पिटिशन देखने को मिलेंगे। बाकी जो इनका वेन्यू रहेगा सेम वही ग्राउंड है जो कल के इसी ग्राउंड पर ही मैचेस खेले गए थे, तो इनका ग्राउंड चेंज नहीं हो रहा है स्टार्टिंग के अभी तक मैचेस, यानी कि जो 8 मुकाबले हुए थे अभी इसी ग्राउंड पे ही खेले गए, जहाँ पे पिच आपको पूरी तरह से बैलेंसड देखने को मिली थी। और कहीं ना कहीं जो भी इनका एवरेज स्कोर आपको 130-160 के बीच में ही देखने को मिलेंगे। पर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि इस मैच की फाइनल और एक विनिंग टीम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करेंगे। और जुड़ने के लिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, और लिंक पर क्लिक करते डायरेक्टली आप जुड़ोगे तो ज्वाइन जरूर से कीजिएगा। वेन्यू स्कोरिंग बटन, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 17 बार विन की, बॉल फर्स्ट करने वाली टीम 18 बार विन करके आ रही है, पिच थोड़ी बहुत आपको बैलेंसड ही देखने को मिलेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर जो यूनाइटेड की टीम है, इनके प्ले स्टार्टिस्ट प्लेन के बारे में। तो इनकी टीम ने सीरीज के अंदर अपने 2 मुकाबले खेले, 1 मैच वन और 1 मैच अपने लॉस करके आ रही। तो सबसे पहले इनकी टीम के ओपनर बैट्समैन से स्टार्ट करेंगे, तो आपको यहाँ पर शमर्थ नजर आएंगे जो कि राइट हैंडर बैट्समैन और ब्रेकर बॉलर है, जो 45 मुकाबले T20 खेले, टोटल 2078 रन है, 55 कवर, 1 विकेट है इनके नाम है। रिसेंट मैच इन्होंने बॉलिंग कराया नहीं, पर बैटिंग से जो इनका कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस वो एक ठीक ठाक देखने को मिलेंगे। तो रिसेंट अपने 2 पारियों में इन्होंने 57 और 21 का स्कोर है, बैटिंग से भी एवरेज फॉर्म इनका ठीक ठाक है। तो कहीं ना कहीं आप सब एज अ प्लेयर इनको अपने स्मॉलिंग में पिक करके जाओ, एज अ मिनी जेल ग्रैंड लीग्स वगैरह में कैप्टन एंड वाइस कप्तान भी करके जा सकते हो। उसके बाद नीचे होता है यहाँ पर मैकनेल नजर आएंगे, जो राइट हंडर बैट्समैन T20 के रिसेंट अभी तक सीरीज के अंदर 2 मुकाबले खेले, हालांकि T20 का करियर स्टार्ट मिला नहीं। रिसेंट के 2 मैच में इन्होंने बॉलिंग विद बैटिंग दोनों ही किया, जहाँ पे पहले मुकाबले 6 का स्कोर 0 विकेट है, 2 ही ओवर के बॉलिंग कराए थे, उसके बाद 9 का स्कोर 1 विकेट निकाले, एज अ बॉलिंग विद बैटिंग दोनों ही करते हैं, फिर भी एज अ बैटिंग से अभी फॉर्म इनका कुछ खास अभी रिसेंट मैच में देखने को मिलेंगे नहीं। एज अ विकेट टेकर ठीक ठाक करेंगे, अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करती है तो फिर एज अ प्लेयर इनको पिक करके जाओ, वरना आप सब इन्हें ड्रॉप भी कर सकते हो, या टॉस फैक्टर पर इनको पिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेकिन जोश नजर आएंगे, जो राइट हंडर बैट्समैन T20 के 5 मैच में 121 रन, 1 विकेट के नाम है, पर रिसेंट मैचेस जैसे इन्होंने बॉलिंग करानी, पर रिसेंट के 2 पारियों में 23 और 9 का स्कोर देखने को मिलेंगे। जैसे बैटिंग से एवरेज फॉर्म इनका ठीक ठाक रहेगा, आप सब एज अ प्लेयर इनको पिक करके जाओ, जो कि आपको एक बैटिंग से एवरेज फॉर्म इनका बैटिंग से देखने को मिलेंगे। और कहीं ना कहीं देखो अभिनव मनोहर या फिर आप इन दोनों में से किसी एक को ही पिक करके जाना, इनका भी फॉर्म ठीक ठाक है, जो T20 के 25 मैच के अंदर 778 रन,
18 रन रहे 40 के बजाय 15 बिग टेन के नाम है। रिसेंट मैच इन्होंने जब बॉलिंग कराया नहीं, बैटिंग से इनका जो 2114 का स्कोर है। तो आप सभी इन दोनों में से किसी एक को ही पिक करके जाइएगा। अमित वर्मा एज अ बॉलिंग विद बैटिंग दोनों ही करा दें, जो कि 52 मैच के अंदर 742 रन एज अ 22 के बजाय 36 बिग टेन के नाम है। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं। रिसेंट के दो मैच में इन्होंने पहले मुकाबले 1 विकेट 0 विकेट 3-2 ओवर बॉलिंग करा कर देंगे। और इस मैच के बेहतरीन ऑप्शन रहेंगे, जो कि बॉलिंग से आपको 1-2 विकेट निकाल कर दे। अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करती है तो फिर एज अ प्लेयर इनको पिक करके जाना। गौतम न तो बॉलिंग करा रहे हैं न तो बैटिंग कर रहे हैं, तो इनको रखने समय कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं रहेगा। संजय भी एज अ ग्रैंड लीग्स वगैरह के डिफॉल्ट होंगे, दोनों ही ऑप्शन जीएल में ही आपको पिक करना है। स्मॉलिंग में बिल्कुल मैं सजेशन दूंगा नहीं। उसके बाद रोहित नजर आएंगे, जो टीम के एज अ मेन बॉलर। रिसेंट के दो पारियों में इन्होंने 1 विकेट और 2 विकेट निकाले, 3-4 ओवर बॉलिंग करा रहे हैं। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन रहेंगे, स्टार्टिंग के भी ओवर बॉलिंग कराते हैं। तो आप सब एज अ प्लेयर इनको पिक करके जाओ। वेंकटेश भी टीम के एज अ मेन बॉलर रहेंगे, जो 5 मैचेस के अंदर 6 विकेट है। रिसेंट के दो पारियों में इन्होंने लगातार 1-1 विकेट निकाल कर आ रहे हैं। एवरेज फॉर्म इनका ठीक ठाक रहेगा, या फिर आप सब व्यंचक या फिर आप वेंकटेश, मतलब इन दोनों में से चाहो तो किसी एक के साथ जाते, तो इनका भी फॉर्म ठीक ठाक है। रिसेंट के दो मैच में इन्होंने पहले मुकाबले 2 विकेट 0 विकेट, और इनका T20 करियर स्टार्ट 13 मैच में 17 विकेट। तो फिलहाल इन दोनों में से किसी एक को ही पिक करना। और हमारे टीम के आपको यहाँ पर एच एस शारद नजर आएंगे, जो राइट हैंडर बैट्समैन राइट मीडियम बॉलर है, जो 16 मैच के अंदर 17 विकेट निकाले। रिसेंट के दो पारियों में 2 विकेट और 1 विकेट देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं इस मैच के एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। तो एज अ प्लेयर के साथ साथ ग्रैंड लीग्स वगैरह में कैप्टन एंड वाइस कप्तान भी पिक करके जाइएगा। फिलहाल दोस्तों एक ही चीज़ बोलेंगे कि इस वीडियो को अगर आप सब एंड तक देख रहे हो, तो फिर आपकी खुद की कॉम्बिनेशन स्टार्ट्स के मुताबिक बनाना। हालांकि टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, इस मैच की फाइनल और एक विनिंग टीम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर देंगे। और जुड़ने के लिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर जो बेंगलुरु ब्लास्टर की टीम है, इनके प्लेयर स्टार्टर्स प्लेइंग के बारे में। तो इनकी टीम की ओर से आपको यहाँ पर चेतन नजर आएंगे, जो कि राइट हैंडर बैट्समैन और T20 के 22 मैच के अंदर 615 रन 32 के बजाय रिसेंट के दो पारियों में 25-1 का स्कोर है। वैसे भी अपनी टीम की ओर से ओपनिंग बैटिंग करा रहे, तो एज़ अ प्लेयर इनको पिक करके जाओ। एज अ मिनी जुअल ग्रैंड लीग्स वगैरह में कैप्टन एंड वाइस कप्तान भी कर सकते हो। हालांकि एज अ प्लेयर इनको पिक करके जाओ। मयंक अग्रवाल टीम के कैप्टन है, रिसेंट के दो पारियों में इन्होंने अपने जो पहले मैच खेले वहाँ पे इन्होंने 52 का स्कोर किया था, 43 का स्कोर। रिसेंट अपने लगातार ये बेंगलुरु ब्लास्टर अपनी टीम ये दोनों ही मैचेस विन करके आ रही है। तो देखो इनकी जो करियर स्टार्ट से, मयंक अग्रवाल के पास काफ़ी सारे इंटरनेशनल मैचेस की भी एक्सपीरियंस है, आईपीएल के भी काफ़ी सारे मुकाबले खेले हुए। तो इस मैच के वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन कैप्टन एंड वाइस कप्तान के रहेंगे। तो आप सभी ने पिक करके चलिएगा जरूर, जो कि आपको इस मैच में भी एक एवरेज फॉर्म इनका रहेगा। उसके बाद अनेश की बात करें तो रिसेंट के दो पारियों 44 और 14 का स्कोर है। फिर भी कुछ खास अभी बढ़िया इनका T20 के मैचेस गए नहीं थे। फिर भी देखो अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करे तो फिर एज अ प्लेयर इनको पिक करके जाओ। मैं इनके अपडेट्स टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर देंगे सूरज, या फिर आप सब इन दोनों में से किसी एक को ही पिक करके चलेगा। उसके बाद शिव कुमार एज अ ग्रैंड लीग वगैरह के डिफॉल्ट हैं, केसीए का रिकॉर्ड है, 5 मैच में 26 रन 6 का एवरेज है। राइट हैंडर बैट्समैन आपको देखने को मिलेंगे, और रिसेंट के दो पारियों में 12 और 15 का स्कोर इनका देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर इनकी टीम पहले बैटिंग कराएंगी तो ही इनको पिक करके जाएंगे, वरना आप सब इन्हें ड्रॉप भी कर सकते हैं। जगदीशन एज अ बॉलिंग विद बैटिंग दोनों ही करा रहे हैं। T20 के 72 मैच में 299 रन 15 का एवरेज, 64 विकेट इनके नाम है। रिसेंट के दो मैच में इन्होंने 6 का स्कोर किया, 1 विकेट निकाले, 4 ओवर के बॉलिंग करे, पर दूसरे मैच में इन्होंने 12 का स्कोर किया, 2 विकेट निकाले थे, 3 ओवर बॉलिंग करे थे। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन लेफ्ट आर्म लेग स्पिन बॉलर है, कहीं ना कहीं ये बॉलिंग विद बैटिंग दोनों ही करा रहे। तो इस प्लेयर के साथ साथ मिनी जेल एज अ ग्रैंड लीग्स वगैरह में कैप्टन एंड वाइस कप्तान भी पिक करके जाना। उसके बाद आपको क्रांति नजर आएंगे, जो कि राइट हैंडर बैट्समैन आपको देखने को मिलेंगे। रिसेंट के दो मैच में पहले मुकाबले 22 का स्कोर के 0 विकेट, 2 ओवर के बॉलिंग कराए, उसके बाद 1 विकेट निकाले। ऐसा पार्ट टाइम बॉलर है, किसी मैच में 2 ओवर कराएंगे, किसी मैच में 1 ओवर कराएंगे, तो ऐसा इन पर रिस्क ले नहीं सकते, ड्रॉप करके जा रहे। कुमार की बात करें तो रिसेंट के दो पारियों इनका पहला मैच है 2 विकेट 0 विकेट। फिलहाल अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करती है तो फिर आप इन दोनों में से किसी एक को ही पिक करके जाना। देखो जो टीम के मेन बॉलर्स रहेंगे आपके पास, मौर्य रहेंगे या फिर प्रदीप को रखो, या फिर आप ऋषि देखो, ऋषि का फॉर्म पहला मैच है ठीक ठाक है, वैसे भी T20 करियर स्टार्ट भी ठीक ठाक है, जो 35 मैच के अंदर 45 विकेट देखने को मिलेंगे। रिसेंट के दो पारी अभी भी इन्होंने जो पहला मैच खेला वहाँ पे 2 विकेट निकाले, उसके बाद 0 विकेट। तो हम यहाँ से मौर्य और ऋषि को पिक करके जाएंगे, बाकी प्रदीप अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करती तो इनको रिस्क लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, इस मैच की फाइनल और एक विनिंग टीम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर ही देंगे। बाकी चलते अपनी ड्रीम 11 टीम देख लेते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से देखो यहाँ पर जो बेंगलुरु ब्लास्टर की टीम है इस मैच को इजीली विन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं क्या कुछ इनकी टीम कॉम्बिनेशन रहेंगे। तो सबसे पहले विकेट कीपिंग से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, एक तो शिव कुमार, जो कि थोड़ी बहुत इनकी मिडल ऑर्डर बैटिंग सूरज नजर आएंगे। हम यहाँ से अभी किसी को नहीं ट्राई करने वाले, अभी मैं यहाँ पर किसी को नहीं रखेंगे। बैटिंग सेक्शन से मयंक अग्रवाल नजर आएंगे, जो इस मैच के टीम के मेन बैट्समैन,
तो इनको पिक करना। उसके बाद अगर आप सब चाहो तो अनिश के साथ जाना, तो अगर इनकी टीम पहले बैटिंग कर रही है तो फिर इस मैच के जैसा सीट ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे। तो जोश या फिर इन दोनों में से किसी एक को पिक करना, जगदीशन टीम के जैसा मेन बैट्समैन। उसके बाद देखो ओपनर्स को हमें ड्रॉप नहीं करना है, चेतन को पिक करके जाओ। भले ही रिसेंट मैचेस है फ्लो के प्लेयर्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। उसके बाद मोरा और यहाँ पर ऋषि को पिक करो, छह ऑप्शन यहाँ से रहेंगे। बाकी देखो अगर आपको सेफ रिस्क लेना होगा तो या फिर शिव कुमार को रोको या फिर सूरज, मतलब इन दोनों में से किसी एक को ही आपको अपने स्मॉलिंग में पिक करके जाना है। उसके बाद दोस्तों इनकी जो बैटिंग सेक्शन है यहाँ पर आपको दो ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे, या फिर रवि कुमार के समर्थ के साथ जो ओपनिंग बैटिंग करे, या फिर अभिनव मनोहर के साथ जो थोड़ी बहुत तेज़ मिडल ऑर्डर इनका बैटिंग रहेगा। उसके बाद अगर आप सब चाहो तो जोश को ट्राई करना, तो अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करती तो इन दोनों में से किसी एक को ही आपको पिक करके जाना है, या टॉस फैक्टर पर डिपेंड करता है। फिलहाल दोस्तों अभी हम यहाँ पे ऐसा जो इनकी ऑलराउंडर सेक्शन है वहाँ से हम काफ़ी सेफ जा रहे हैं, तो इनकी जो बॉलिंग में बैठे अमित कुमार को भी देखने को मिलेंगे। अगर आप सब चाहो तो अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करा रही तो इनको पिक करना, वरना आप सब इन्हें ड्रॉप भी कर सकते हो। इनकी जो बॉलिंग सेक्शन है वहाँ से आप सब ऐसा सेफ रिस्क लेकर जा सकते हो। फिलहाल दोस्तों अभी हम सेम टीम के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पर जो भी एक हमारी विनिंग टीम रहेंगी टॉस और बैटिंग ऑर्डर के बाद, इसके अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर देंगे। मयंक अग्रवाल टीम के कैप्टन रहेंगे, वाइस कप्तान जगदीशन को कर रहे हैं, और सेम टीम के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे। पर जो भी एक हमारी विनिंग टीम रहेंगी टॉस और बैटिंग ऑर्डर के बाद, अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर ही देंगे। और जुड़ने के लिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। बाकी दोस्तों मिलते अगले वीडियोस में किसी नेक्स्ट मैचेस के प्रेडिक्शन के साथ।